समाज, सज्जनों और देवियों, पहली बात मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि लोग मुझसे मिलने आते हैं, सबसे कुशल नहीं पूछ मिलता है। इतनी भीड़ रहती है कि किससे किससे कुशल पूछूं। बहुतों को पहचानता हूँ तो ये कोई न सोचेगा कि साहब तो हमसे कुशले नहीं पूछे। आए हो सब कुशल है, यहाँ बैठ के बोलता हूँ मानो यही कुशल पूछता हूँ सबसे। ग्रंथ आप लोग पढ़ते हैं, जब आप ग्रंथ पढ़ेंगे तब मैं मानो आपके पास बैठा आपसे कुशल ही पूछूंगा। जो कोई ग्रंथ पढ़ेगा मेरी उपस्थित तो उसको स्वाभाविक अनुभव में आएगी। मैं स्वयं जब पढ़ता हूँ किसी पुस्तक को तो उस लेखक की उपस्थित मेरे मन में हो जाती है। शरीर अभी बोल रहा है, एक दिन तो बोलना भी बंद होगा, शरीर ही नहीं रहेगा। और ऐसा भी हो सकता है शरीर तो रहे लेकिन बोल न सके, तो ये तो सब परिवर्तनशील है। इसलिए कुशल नहीं पूछे ये कोई अपने मन में भाव न रखेंगे। और बात तो आप जानते ही हैं, प्रेम से सब आए हैं, और ऐसी भीड़ में रहने बसने खाने पीने की सारी व्यवस्था व्यवस्था जैसी रहती है, और उसमें जो संत और भक्त आते हैं वे सब समझदार हैं। इसमें भाई जिस काम के लिए आए हैं वो सोचना है कि ये सोचना है, कहीं रह लेंगे, जो मिलेगा खा लेंगे, इसका समाधान तो सबको है ही। हमें किस चीज़ का अहंकार है ये हम अपने से पूछें। किस वस्तु का अहंकार हमारे पास है? सदगुरु श्री राम रहस्य साहब ने पंचग्रंथी में लिखा है, हंता माँ सब ही पड़े, हंता देखे साध, हंता ते न्यारा रहे गुरमुख दृष्टि अबाद। सब लोग अहंकार में पड़े हैं, जो अपने अहंकार को देखे वो साधु है। अपने अहंकार को देखना, दूसरे के नहीं, दूसरे के विषय में देख करके हमें क्या फायदा हो गया? कोई अहंकारी है ये हम क्यों सोचें? वो उनका काम है, उनका बोझा है, वे उतारेंगे, हम अपना बोझा उतारें। हंता माँ सब ही पड़े, हंता देखे साध, और हंता ते न्यारा रहे, अहंकार से अलग रहे, गुरमुख दृष्टि अबाध, गुरमुख दृष्टि धारण करके बाधा रहित कल्याण पथ में चले। किस वस्तु का हमें अहंकार है, कौन सी वस्तु मेरे साथ है? सब लोग अपना अपना भवसागर लिए घूम रहे हैं, ध्यान दीजिए, सब लोग अपना अपना भवसागर लिए घूम रहे हैं। मन में क्रोध, काम, द्वेष, ईर्षा, चिंता, उद्वेग, प्रतिक्रिया, रिएक्शन, हर क्षण मन में कुतर्क, कुभावना, ये भवसागर है। अशुद्ध मन भवसागर है और इसको लेकर के सब घूम रहे हैं। उस भवसागर को स्वर्ग के रूप में, मोक्ष के रूप में बदलना, ये काम करना है। अहंकार करने कोई गुंजाइश नहीं है। किस चीज का अहंकार है? जवानी कब तक, वक्तव्य कब तक, लेखन शक्ति कब तक, धन कब तक, संबंधियों का प्यार कब तक, मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा कब तक है? गुरुआई अवमान बढ़ाई, रिद्ध सिद्ध सब जात नसाई,
या में सकल जगत अरुझाना, काल कला को मर्म न जाना। मोते इन सबते नहीं काजा, तुम्हारी भक्ति बस कहो उपराजा। सदगुरु पूर्ण साहेब ने निर्णय सार में कहा, गुरुआई और मान बढ़ाई, रिद्ध सिद्ध सब जात नसाई। रिद्ध सिद्ध माने हैं रिद्ध नाम धन, सिद्ध नाम शक्ति, धन ऐश्वर्य आ जाता है, सिद्ध नाम परिपक्वता। सिद्ध का अर्थ ये लोग लगा लिए हैं कि मच्छर हो जाता है योगी, हाथी हो जाता है, जो चाहे सो कर देता है, ये झूठ है। कल इसके लिए थोड़ा सा कहा था, चमत्कार नाम की जितनी बात है दुनिया में, सब का सब सोलह आना छूट है। इस चक्कर में कहीं न पड़ना। ये महात्मा और पंडित और मौलवी और पादरी लोग लालच दे दे करके जनता को भटका दिए। जब अधिकृत कहे जाने वाले लोग ऐसा प्रचार करते हैं तो जनता बेचारी क्या करे। उसे अभावग्रस्तता तो है ही है, किसी का लड़का नहीं है, लड़का बिना वो दुखी है और कोई लड़के से दुखी है। किसी के धन नहीं है दुखी है, और किसी के धन है और इतना दुखी है कि आत्महत्या करने को तैयार है। सारा संसार दुख से द्रवित है, पीड़ित है। सुखिया तो वही होगा जिसके मन की तृष्णा मिट गई है, जिसका मन निर्मल हो गया है। सब कुछ परिवर्तनशील है, आज जो है कल नहीं रहेगा, इस क्षण जो है अगले क्षण नहीं रहेगा, सब कुछ बदल रहा है। इस बदलती हुई स्थिति को हम देख नहीं पाते हैं। यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे थे साथ, टपका लगा फूट गया कछु न आया हाथ। ये शरीर कच्चा घड़ा है मिट्टी का, लेके घूम रहे थे, ठोकर लग गया और फूट के गिर गया, हाथ में कुछ रुका नहीं, भारा उठा। ये शरीर एक दिन में भारा उठेगा। हमारे मित्रों, साथियों, पूर्वजों, कितने के शरीर मिट गए हैं, हमारा कब तक रहेगा। इस बात को जो निरंतर देखता है वो पाप नहीं करता है, उसका मन मैला नहीं होता है, निर्मल रहता है। संसार की नश्वरता को निरंतर देखना। हम जिन झूठी वस्तुओं से जुड़ते हैं उनसे गर्माहट पैदा होती है। सब वस्तुएं झूठी, अंत में झूठ झूठा कह डारहू, मिथ्या यह संसार, तेहि कारण मैं कहत हूँ जाते हुए उबार। साहब कहते हैं झूठ है और झूठ करके छोड़ दो, झूठ झूठा कह डारहू। जो तुम्हें मिला है झूठ है और झूठा करके डाल दो, मिथ्या यह संसार, यह संसार मिथ्या। तेही कारण मैं कहता हूँ जाते हो उबार, इसलिए मैं कहता हूँ जिससे तुम्हारा उबार हो। क्या संसार मिथ्या है, झूठ है? संसार नित्य है, परिवर्तनशील है। ये पूरी सत्ता नित्य है, सत्ता झूठ नहीं है, ये जड़ सत्ता भी सत्य है, लेकिन वो क्षण क्षण बदलता है, एक रूप नहीं रहता है। और एक दिन जब मेरी आंख ढप जाती है तो पूरा का पूरा गायब हो जाता है हमारे लिए, तो झूठा हो जाता है। साहब कहते इसलिए मैं कहता हूँ जिससे तुम्हारा उबार हो, चिपके हो, जो रहने वाली चीज़ नहीं उसमें चिपके हो। चिपकाहट छोड़ो, अपने मन को छुड़ाओ। हम बहुत माल टाल मानते हैं, दुनिया में बहुत माल टाल है, पूरा दुनिया कूड़ा दान है, खाक दान, कूड़ा दान,
संतों ने कहा है, और केवल ऐसे नहीं कहा है, तथ्य है। जितने प्राणी हैं उनके शरीर हाड़ मांस के ढांचे हैं, जितना धन दौलत है सब कंकर पत्थर है, जितना बन है सब काष्ठमय है, हल्ला गुल्ला कीचड़ पानी धुआं धड़क्का धूल, यही तो संसार है। सब कौन सा माल यहाँ रखा है? ये शरीर एक कूड़ा कचड़ा है, इसको चलाने के लिए कुछ कूड़े कचड़े की जरूरत है, लेकिन इसको कूड़े कचड़े के रूप में ही देखें। जो इसमें सोना है, हीरा है, दिव्य है, वो आत्मा है, वो आपका स्वरूप है, आपका होना है, आपका अस्तित्व है। और अपने हम हीरे को ऐसा भूले रहते हैं, दिन दिन नहीं वर्ष वर्ष सदा भूले भूले रहते हैं, ख्याल ही नहीं, उसकी समझ ही नहीं। जिनको समझ है अभ्यास नहीं करते हैं तो स्थिर नहीं रहता है विचार। जो बड़ी खुली चीज है कि शरीर को नष्ट होना है, और इसके नष्ट होने के साथ कुछ मेरा साथ मेरे साथ नहीं है, इस बात को समझने में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन यह बात इस ढंग से 24 घंटे में कितने क्षण आप अपने मन में रखते हैं इसको विचारिए। महीना महीना बीत जाता है, इसकी याद ही नहीं लोग करते हैं। जब कोई मर जाता है तब लगता है दुनिया झूठी है। राग रंग वाला युवक भी कहता है कि भैया दुनिया झूठी है, लेकिन फिर कुछ मिनट में भूल जाता है। कोई ज्ञान का ग्रंथ पढ़ा तो ख्याल आया, जो कुछ हमारा अपना माना हुआ है ये छूट जाएगा, ये सब जानते हैं, लेकिन जानकारी मात्र है, फाइल में लिखा है, फाइल पढ़ते नहीं। बुद्धि में बात है, लेकिन उस बुद्धि को सामने रख करके चरितार्थ नहीं करते। जिसके मन में ये निरंतर रहता है कि सब छूट जाने वाला है, सब नश्वर है, उसका मन भटकता नहीं, उसका मन पाप नहीं करता है, गंदी बात नहीं सोचता है, क्या हानि हो गई, क्या लाभ हो गया, लाभ झूठ हानि झूठ। संसार मृग मरीचिका के समान, पानी के बुलबुले के समान सब प्रतिबिंबित हो रहा है, और उसमें हम अपने को जोड़ जोड़ करके पीड़ित हो रहे हैं व्यर्थ में, सब भवसागर लिए घूम रहे हैं। मन भवसागर बना है, मन में चिंता है तो भवसागर है, दुख है, पीड़ा है, अवसाद है तो भवसागर है। मन में काम क्रोध लोभ मोह विकार भरे हैं तो भवसागर है। इस भवसागर को स्वर्ग के रूप में बदलें, प्रेम, प्रेम में स्वर्ग है, अनासक्ति में मोक्ष है। प्रेम और अनासक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये विरोधी नहीं, मोह विरोधी है, प्रेम नहीं। शुद्ध प्रेम की बड़ी ज़रूरत है। हम जिन लोगों के बीच में रात दिन रहते हैं उनमें शुद्ध प्रेम न होगा तो व्यवहार बड़ा कट हो जाएगा, और रहना हमारा सही नहीं रहेगा। पत्नी के साथ, पति के साथ, पुत्र के साथ, भाई के साथ, कुटुंबियों के साथ, समाज के व्यक्तियों के साथ, गांव टोला मोहल्ला वालों के साथ रहना है
और उनके प्रति घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, दुर्भाव है, तो कैसे हम सुख से जी सकते हैं? प्रेम से जिए। परमात्मा अगर सगुण परमात्मा कहीं है तो ये प्राणियों का समूह है। सगुण परमात्मा, निर्गुण परमात्मा, सरगुण की कर सेवा, निर्गुण का कर ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। सतगुरु कबीर कहते हैं सगुण की सेवा करो, निर्गुण का ज्ञान करो, और ध्यान ये दोनों से ऊपर है। सगुण की सेवा क्या है? हम चित्र पूजते हैं, मूर्त पूजते हैं तो मानते सगुण की सेवा है? वो तो प्रतीक उपासना है, एक चिन्ह है। प्राणियों की सेवा सगुण की सेवा है। सगुण भगवान ये प्राणी है, सबकी सेवा कौन कर सकता है? सबकी शक्ति सीमित है, समय सीमित है, किसी को तकलीफ देने की न सोचे तो सेवा हो गई। फिर जो बन सके सेवा करे। सगुण की सेवा प्राणियों की सेवा है। प्राणियों को भगवान समझना। मूर्ति के सामने जो कुछ रख दिए लौटा के खा लिए। मूर्ति की पूजा बड़ी सरल है, चाहे जैसे धर दो, चाहे जैसे कर दो, और चढ़ा करके कुल खा लो, बहुत सरल है। लेकिन किसी प्राणी के सामने रखो, अगर गलत से रखो तो डांटेगा भी। एक वैष्णव संत और मैं बैठा था, वो वैष्णव संत प्रसिद्ध महंत हैं, तो दूसरे वैष्णव संत आए जो गायक थे, वहीं मंदिर में थे, कहे आइए ये महाराज एक कबीर साहब का भजन गाइए। तो तुरंत हो गए, तो भजन गाए, सब मगन हो गए। तो उन्होंने कहा महाराज एक कहानी सुना दो। कहे सुना दो। अब कबीर साहब का भजन गाए तो कबीर साहब के लहजे में कहानी सुनाने की उनकी चेष्टा हुई। कहे सुनाओ। कहे कि पुजारी थे, भगवान राम की मूर्ति थी, तो श्रृंगार उंगार किए, कपड़ा उपड़ा पहनाए, पूजा किए, लड्डू चढ़ाए और पर्दा गिरा करके चले गए। आधे घंटे के बाद आए तो चूहा आ करके लड्डू खा लिया था और भगवान का कपड़ा कुतर दिया था, और भगवान के ऊपर चढ़ा था तो भगवान गिर पड़े थे, हाथ टूट गया था। तब पुजारी आए तो भगवान को एक चाटा मारे। कहे तुम अपने हाथ पैर तोड़वा लियो, हमार का करियो? कह के चुप। तो वैष्णव महंत जो बैठे थे कहे और बस? तो कहे हो गया। कहे बस? देखो ऐसा कहना नहीं, नहीं ये लिख लेंगे मेरे लिए। कहे लिख लेंगे। मैंने कहा हम लोग लिखते रहते हैं ऐसा। तो उनके वो वैष्णव थे, लेकिन उनके मन में भी गुदगुदी हुई कबीरी भाषा में कहने की। तो मूर्त पूजा वाले भी जानते हैं, एक वैष्णव तो कहे महाराज देखो मूर्त पूजा, हम भगवान की मूर्ति छोटी सी लिए रहते हैं, तो बड़ा लाभ ये होता है कि जब भोग लगाते हैं भगवान का और भगत घी नहीं लाए हैं तो कहते भाई पवित्री लाओ, भगवान का भोग लगाना है, घी को पवित्री कहते हैं। तो घी, तब भगवान के लिए घी आ गया तो भगवान तो खाते नहीं, अपना खाने मिल जाता है। तो मूर्त पूजा करना बहुत सरल है, सब चढ़ा दो और कुल खा लो। लेकिन माता पिता के सामने चढ़ाओ तो भाई अब उनका विचार, जो तुम्हें दे दे, नहीं तो खा जाए। गुरु महाराज के पास चढ़ाओ तो जो प्रसाद दे पाओगे, नहीं तो नहीं पाओगे। और कहीं उल्टा पलटा चढ़ाओगे तो डांटे जाओगे। लेकिन तो ज्ञान भी मिलेगा माता पिता गुरुजनों से ही, मूर्ति से ज्ञान नहीं मिलेगा। सगुण भगवान ये प्राणियों का समूह है, इनके प्रति सत्कार भाव, सेवा भाव, प्रेम भाव। खास बात है कि हम स्वार्थी हैं, स्वार्थ के नाते चित्त में उद्वेग होता है और उद्वेग से कलह होता है।
अपना अहंकार और कामना अगर हम मिटा सकें तो उद्वेग नहीं होगा। और स्वभाव बस कभी थोड़ा आ गया तो चला जाएगा। पानी की लकीर, ज्ञानी का क्रोध पानी की लकीर भी कहा जाता है। वो क्रोध नहीं है, आ गया थोड़ा तो पानी पर लकीर पारो फिर बराबर कुछ नहीं। बालू की लकीर कुछ घंटे रहेगी, वो दुखद है। अब पत्थर की लकीर तो भयंकर है। तो जो सिद्ध संत हैं यानी परिपक्व संत हैं, पूर्ण पुरुष हैं, उनके मन में विकार नहीं। विकार नहीं, यही भवसागर से पार होना है। सब भवसागर लेके घूम रहे हैं। अपने भवसागर को मिटाओ। अहंकार करने की गुंजाइश नहीं, दूसरे के दोष देखने की गुंजाइश नहीं। दूसरा है अपने गठरी बड़ी लंबी चौड़ी है, उसको खोलो, उसको सुधारो, दूसरे की गठरी पर क्यों ध्यान देते हो। अपने भवसागर को स्वर्ग के रूप में बदलना है। प्रेम स्वर्ग है, शुद्ध प्रेम स्वर्ग है। और शुद्ध प्रेम तब होगा जब अहंकार कामना दोनों शमित होंगे। अहंकार कामना का शमन करना बड़ी बात है, और जो करे उसके लिए बहुत सरल है। और यही रास्ता और कोई रास्ता नहीं। निर्ग्रंथ मन, निर्मल मन, प्रशांत मन, आनंदमय मन, यही तो जीवन की सफलता है। हमारे पास जो शक्ति है और समय है कम नहीं है। जिंदगी में आदमी एक बार नहीं अनेक बार मोक्ष ले सकता, इतना लंबा समय मिलता है। कभी कभी आप लोगों के बीच में मैं कहता हूँ, कलकत्ता में मैं था, स्नान करके ध्यान में बैठा। उस समय 50 बरस की उम्र हो गई थी, तो बिजली जैसी कौंध गई मन में। 50 बरस की उम्र हो गई, आधी शताब्दी, कितना लंबा समय बीत गया। पहली बार ये उन्मेष मुझे उम्र को लेकर के हुआ था। 50 वर्ष के दरमियान में इस ढंग का अनुभव नहीं हुआ था। और तो ठीक था, सब बढ़िया था, लेकिन ये अनुभव, ये उन्मेष, 50 वर्ष हो गए, आधी शताब्दी, कम है इतना। शरीर में बहुत दिन हो गया, शरीर की क्या जरूरत है। आधी शताब्दी बीत गई, आधी शताब्दी में तो लोग अनेक बार मोक्ष ले सकते हैं, जबकि एक बार मोक्ष लेने पर अनेक बार मोक्ष लेने की जरूरत नहीं। उसी को बनाए रखना है बस। अब इस समय तो 21 वर्ष तब से बीत गए, 22वां लाख लग रहा लगा है, 72 चल रहा है, बहुत दिन हो गया इस शरीर में रहते रहते। इस शरीर की कोई आवश्यकता नहीं, हमें समय कम नहीं मिला, शक्ति कम नहीं मिली, हमने जीवन का मूल्य नहीं समझा, इसीलिए हमने अपने को बिगाड़ा है। ये हर आदमी सोचे, समझे और सुधारे। क्या आपको शक्ति कम मिली है? आपको समय कम मिला है? लोग बहुत कमाई करते हैं, फुर्सत नहीं है। अरे तुम समझ पाते अपने जीवन को तो दूसरी भाषा होती। फुर्सत नहीं, सत्संग के लिए फुर्सत नहीं है। पहले सत्संग का लाभ समझो। जो बहुत व्यस्त होते वे भी समय निकाल के सत्संग में पहुंच जाते हैं। समय है, शक्ति है, सब है, कल्याण का लाभ निश्चय नहीं। शांति कल्याण है, दुखहीन मन कल्याण है, दुखी न होना कल्याण है। और जिन बातों को लेकर के आप दुखी हैं वो सब लड़कों का खिलौना है।
लगता तो है बहुत मूल्यवान, लेकिन एक दिन आएगा जब आपको लगेगा सब लड़के खिलौना है, तब कुछ करने लायक नहीं रह जाएंगे। जिनका समय लंबा बीतता है अपने जीवन में अनेक घटनाओं को पीछे हुए ऐसे ही देखते हैं, जिन जिन बातों के लिए हम बहुत आकर्षित थे आज वे दो कौड़ी की भी वो बातें नहीं लगती हैं। आदमी भावुक हो जाता है, जो कुछ सामने मिलता है मालूम होता है ऐसे बना रहेगा और उसके लिए रागद्वेष करने लगता है, कुछ रहने वाला नहीं। नैतद स्थित निश्चित्ते इस महाराज राम ने कहा था, जब काल आया तब उन्होंने कहा यह सब कुछ रहने वाला नहीं। रामायण महाभारत दो महाकाव्य हमारे भारतवर्ष के हैं, दोनों दुखांत हैं। रामायण में वाल्मीकि रामायण पढ़िए, महाराज राम अयोध्या वासियों को लेकर के सरयू में प्रवेश कर जाते हैं और उसमें लिखा है कि सांस लेने वाला एक प्राणी भी अयोध्या में नहीं रह गया। महाभारत देखिए, कौरव पांडव का विनाश तो हुआ ही, यादवों का विनाश, पांचों पांडवों का हिमालय में गल जाना, परीक्षित का राज करना, परीक्षित के परिवार के वंशज के लोग गंगा में बाढ़ आने से हस्तनापुर से नौकाओं में बाल बच्चों धन संपत्ति को रख करके कौशाम्बी आके बसाए। यहाँ से कौशाम्बी 50-60 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण है, यमुना के उत्तरी तट पर। कौशाम्बी नगर का अवशेष कंकर पत्थर के रूप में आज भी है, बौद्धों का चिन्ह है वहाँ। तथागत बुद्ध के ज़माने में कौशाम्बी संपन्न नगरी थी, प्रयाग नहीं थी, प्रयाग की चर्चा नहीं। आश्चर्य होता है कि कौशाम्बी कैसे वो बसे, प्रयाग तो गंगा जमुना दोनों का संगम है, लेकिन कौशाम्बी बसाया। कितना परिवर्तनशील है संसार, आज कौशाम्बी कंकर पत्थर है। दोनों महाकाव्य दुखांत हैं, सबका शरीर दुखांत है, अंत में क्या होगा, बुढ़ापा, रोग, जर्जरता, मृत्युशैया और सब कुछ वीराना होना, ये दुखांत नहीं है। लेकिन जिसने मोह का त्याग कर दिया, आसक्ति को जीत लिया, वो आज ही जीवन मुक्त है और सब समय मुक्त है, कृतार्थ है। छोड़ने वाली चीज़ को तो पहले ही छोड़ देता है, शरीर को विवेक द्वारा वो पहले ही छोड़ देता है, बस यात्रा है इसलिए खाना पानी देता है, चलाता है उसको, लेकिन विवेक से छोड़ देता है। जब छूट जाए कोई परवाह नहीं, मन से छोड़ दिया, देह को छोड़ देता है मन से, फिर देह संबंधी प्राणी पदार्थ में क्या रखा है, सब छुटा छुटा, हरदम वो छुटा देखता है। जो छुटा देखता है उसका भवसागर सूख जाता है, सब भवसागर लेके घूम रहे हैं। मन में जितना कलह है वो कल्पना है, वो भवसागर का लक्षण है। मन में कल्पना और बाहर कलह, मन में प्रतिक्रिया जो होती है वो कल्पना है और बाहर इसी प्रतिक्रिया का फल होता है जो कला होता है। हम राग द्वेष करते, झगड़ा लड़ाई करते हैं, तू मैं करते हैं। जो संसार की वास्तविकता को देखता है उसके मन में कल्पना नहीं होती, वितर्क नहीं होता, शांत आत्मा। बाहर अनुकूल न मिलने पर सह लेता है, प्रतिकूल मिलने पर सह लेता है, अनुकूल मिलने पर अनासक्त रहता है और जहाँ से विवाद वहाँ से हट के रहता है।
ऐसा प्रसंग पड़ गया तो सिर झुका लेता है, विवाद नहीं करता, सिर झुका लेता है। साधक वह है, पातुर चातुर वह है जो पातुर से बचा के चले। ये अवध क्षेत्र में कहावत कहते हैं, चातुर वह है जो पातुर से बचा के चले, चतुर समझदार वह है जो पतला दुर्बल मन दुर्गुणी से बचा के चले। कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो वहाँ से लौट करके छींटी आएगी शरीर पर। इसलिए विवेकवान आदमी के मन में कला कल्पना रहती ही नहीं, कल्पना नहीं रहती तो कला नहीं रहता है। किसी से विवाद करने कोई गुंजाइश नहीं, सिर झुका लेना है, सह लेना है, हट जाना है, मौन रहना है, उसकी चर्चा ही नहीं करना। समय थोड़ा है, सबसे विवाद करके अपने मन को खराब करके तब साधना बनेगी। जहां विवाद किए मन उलझा, जहां किसी की बुराई देखने के चक्कर में पड़े मन उलझा, उसकी चर्चा में पड़े तो मन उलझा। इतना सुंदर समय, एक एक सेकंड मूल्यवान, उसको हम अपने दुख को दूर करने में लगाएं कि दूसरे के राग द्वेष में लगाएं, कौन समझदारी। हमें सावधान होना चाहिए। सब भवसागर लेके घूम रहे हैं, घमंड बहुत है हमें, धन का घमंड है, जन का घमंड है, विद्या का घमंड है, गुरुआई और महंती का घमंड है, आचार्यत्व का घमंड है, महामंडलेश्वर जगतगुरु हैं घमंड है, विश्व गुरु हैं, ब्रह्मांड गुरु हैं, पता नहीं कैसे कैसे गुरु, बड़ा घमंड है। प्रवक्ता होने का घमंड है, लेखक होने का घमंड है, जन समूह का घमंड है, बहुत बड़ा जन समूह हमें मानता है। सब बचकानापन है, जन समूह कब तक साथ है। रात में जन समूह था, यहाँ से उठ के गया अपने कमरे में अकेला सोया, जन समूह वहाँ नहीं था। कभी कभी मैं आपसे अपना अनुभव कहता हूँ, मैं तो यात्रा में रहता हूँ 8 महीने करीब करीब, पहुँचा स्वागत के लिए सैकड़ों तैयार रहते हैं कई जगह, अब बहुत गाते बजाते कितने लोग, इतने भाव, आरती उतारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जब वहाँ से छुट्टी मिली, यदि वो भी परेशानी घर है, अब जब आए हैं थके मादे तो ये सब न करो भाई, जगह दो, नहाएं खाएं, आराम करें, पाछे कर लेना। लेकिन अब भावुक लोग नहीं मानते कई जगह, वो भी सहना पड़ता है। वहाँ से हटे, जब आसन पर गए, शौचालय में गए, मच्छर काट रहे हैं, कोई सहायक नहीं, आरती उतारने वाला एक भी नहीं है कि मच्छर को हटा दे। ये आरती की पोल पट्टी है, हमारी पूज्यता की पोल पट्टी है, और जन समूह की पोल पट्टी। जन समूह का क्या घमंड है, हमें बहुत लोग मानते, क्या घमंड है। मच्छर से हमारी रक्षा वो नहीं कर पाते हैं। और जन समूह आया गया, आप लोगों का बहुत बहुत स्नेह है, प्रेम है, कहाँ कहाँ से आते हैं। मैं तो अपने साधुओं से कहता हूँ जो निकट हैं कि इतने लोग आते हैं, निमंत्रण हम नहीं भेज पाते हैं, जाने हैं कि अमुक तिथि है, कहाँ कहाँ से लोग यात्रा करके, खर्च करके, समय लगा कर आते हैं, और यहाँ आप अस्त व्यस्त जगह में पड़े रहते हैं, टाइम टू टाइम खा पी लेते हैं। ये इन लोगों की भावना कितनी प्रबल है। यहाँ मिलने का अर्थ क्या है, अनमिलता पुष्ट हो, असंगता पुष्ट हो। आप जो मिलने आए हैं, आपके मिलने का, आपको मिलने का फल ये मिलना चाहिए कि आप समझें कि आप अनमिल हैं, अकेले हैं, असंग हैं। असंगो एम पुरुष, यह पुरुष यह आत्मा असंग है, आपका कोई नहीं है। अब आप किसी के नहीं हैं, ये वास्तविकता है, ये परमार्थ है। व्यवहार क्या है, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, ये व्यवहार है। व्यवहार क्षणिक है, परमार्थ सत्य और सनातन है।
आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, ये क्षणिक है। कई लोगों से मेरी भावना ऐसी थी वे मेरे हैं और मैं उनका हूँ, लेकिन वो नहीं रह गए। तो जो अवशेष है उनकी दशा ही होगी और मेरे शरीर की भी यही दशा होगी। कौन मेरा है और कौन किसका मैं हूँ, एक दिखावा है। संसार का जितना तमाशा है एक दिखावा है। इस दिखावा को दिखावा समझना, अपनी असंगता, अनमिलता, कैवल्य की मजबूती प्राप्त करना इस संबंध का मतलब है। जो आप लोग मिलने आए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस मिलने के फल में आप ये अनुभव करें कि आप अनमिल हैं, अकेले हैं। यहाँ से एक सीख लीजिए कि जीव का कोई नहीं है। कोई कह सकता है ये तो व्यवहार, ये बात तो ठीक नहीं है, निरस बात कोई नहीं है, सरस बात करो भैया, सब मेरे हैं। रो घाव माऊ करो गले मिला करके। जब कोई मरे तो छाती कूटो, पीट और मस्तक कूटो, रोते रोते जिंदगी बिताओ। गुरुजनों का उपदेश है कि हंसते हंसते जिंदगी बिताओ, प्रेम का व्यवहार सबसे करो, लेकिन किसी का संबंध किसी से स्थिर नहीं है। कहूँ तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए, हाँ ना ही के बीच में साहेब रहा समाए। साहेब कहते हैं कहो तो है नहीं, शरीर परिवार धन दौलत कहा जाता है, हमारे बाबे दादिक भी रहा लेकिन नहीं रहा, तो कहाँ है। लेकिन नहीं कहते नहीं बनता है, जब तक जीवन है, खाना पीना व्यवहार बरतना पड़ता है, नहीं कहते भी नहीं बनता है। तो हाँ ना ही के बीच में साहेब रहा समाए। सदगुरु कबीर कहते हैं कि ज्ञानी हाँ ना ही के बीच में रहता है, है भी और नहीं भी। साहेब रहा समाए, साहेब कबीर साहेब, साहेब शब्द कहते हैं। एक पंडित जी मुझसे गए कि महाराज आप लोग साहेब क्यों कहते हैं, ये तो विदेशी भाषा है। तो मैंने कहा विदेशी स्वदेशी भाषा सबका आदर होना चाहिए। कहने आपको महाराज कहना चाहिए, साहेब नहीं कहना चाहिए। मैंने कहा रामचरितमानस से आप साहेब निकाल दें पहले, तब फिर हम लोग भी सोचें कि रामचरितमानस में साहेब कहाँ है। मैंने कहा तो आप पंडित होकर के रामचरितमानस आज तक नहीं पढ़े। प्रभु तरुतर कपिडार पर तेकी आप समान, तुलसी कहून राम सम साहेब सील निदान। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। सेवक कर पद नयन सो मुख सो साहिब होए, तुलसी प्रीत की रीत लख सुखब सराहाई सोए। एक जगह नहीं बहुत जगह साहेब। अब बिचारे पंडित जी बहुत निढाल हुए। मैंने कहा वेद को लीजिए, जरफरी तुरफरी जमेना मदेरू आबूम फरफरी का खरमज्रा, अनेक शब्द ऐसे हैं जो भारतीय भाषा के नहीं, ये बेबलोन भाषा के हैं, आज का जो इराक कहलाता है। बीजक की वेद क्या कहते हैं कि भूमिका में मैंने इसको लिखा है और यथास्थान भी लिखा है। वेद से निकालिए, जरफरी तुरफरी जमेना मदेरू इत्यादि को लेकर के ही तो आचार्य बृहस्पति ने खंडन किया है। त्रैवेदस्य कर्तारो भंड धूर्त निशाचरा, जरफरी तुरफरी इत्यादि पंडितानाम वच स्मृतम। ये जरफरी तुरफरी इत्यादि बकवास पंडितों की है, ऐसा उन्होंने कहा। बस होता वो विदेशी भाषा है। वेद में भी विदेशी भाषा है, स्वदेशी विदेशी क्या है। तो भाषाएं मिलती रहती हैं। इंग्लिश वाले अगर कंजूस होते तो इंग्लिश भाषा इतनी समृद्ध न होती। इंग्लिश भाषा में भिन्न भाषाएं बहुत हैं, कोई भी भाषा निदाग नहीं रह सकती है। संस्कृतियाँ मिलती रहती हैं। राक्षस
दैत्य पिशाच गंधर्व किन्नर नाग वरुण सैन बानर रीछ गीध, ये सब जातियाँ मनुष्य की थी पहले, इनका समिश्रण हुआ। अब आगे चल करके वर्ण व्यवस्था हुई तब ये नाम बदल गया। इलविल और वातापी ये राक्षस थे और संस्कृत में भाषण करते हुए पंडितों को भोजन के लिए निमंत्रित करते थे। वाल्मीकि रामायण पढ़िए, वे धोखा देते थे तो अगस्त ने बदला पटाया था। वो कहानी कहने की यहाँ फुर्सत नहीं। रावण ब्रह्म राक्षसाम ब्राह्मण राक्षस थे रावण, क्योंकि जो माँ थी राक्षस कुलोत्पन्न थी और पिता ब्राह्मण कुलोत्पन्न, इसलिए ब्रह्म राक्षसाम हवन पशु मार करके हवन करना बाइबिल में है, यहूदियों में चलता रहा, शायद आज भी चलता हो, हिंदुओं में चलता रहा। घुटने टेक करके मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, घुटने टेक करके वेद में प्रार्थना करने की बात है। हरम अरबी में घर को कहते हैं और वेद में हरम कई बार घर के लिए कहा गया है। दुआ अरबी में प्रार्थना करने, आशीर्वाद देने, मंगल कामना करने के अर्थों में है। वेद में इसी ढंग से अर्थ में दुआ शब्द है। देवेश किण तो दुआ, देवता के लिए हम दुआ करते हैं। आप कहाँ तक विचार करके अलग कर देंगे, गंदगी विचारिए, भाषा अलग नहीं कर पाएंगे। पंडित जी से इतना लंबा चौड़ा तो भाषण नहीं किया मैंने, खाली गोस्वामी जी की बात कह दी कि भाई मानस से आप साहेब निकलवा दीजिए तो हम लोग भी सोचें, तो बेचारे लजा गए। भाषा तो भाषा है और जब दो संस्कृतियाँ मिलती हैं तो भाषा मिलती है। हमें उदार बनने की ज़रूरत है। हम अपने मूल स्थान पर आए, सब अपना अपना भावसागर लेके घूम रहे हैं, अहंकार करने की कोई गुंजाइश नहीं। अंदर में देखें, हमें लोग ज्ञानी कहते हैं, गुरु कहते हैं, पवित्र आत्मा कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, पूछते हैं, लेकिन मन को देखें, मन क्या है? हमारा मन जो है वही हमारी स्थिति है। अगर मन में विकार है तो हमारी स्थिति ठीक नहीं है। मन निर्मल है बस पूरी दुनिया निंदा करे, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। हम सबके मुंह को बांध करके रहनी में नहीं रह सकते हैं। अपने को ठीक करना है। अब जस जोग की जानकी मड़ी चोरी का कान, तुलसी लोक रिझाई वो करस कातिबो नान। सीता जी अबजस के योग्य नहीं थे। सीता जी रावण के घर में इच्छा से नहीं गई थी, पकड़ करके ले जाई गई थी और वह तपस्विनी बन करके रहीं। रावण के प्रस्ताव को उन्होंने वीरतापूर्वक ठुकराया। रावण चाहता था तुम पत्नी बन जाओ, उसने ठुकराया। रावण को शाप था, पर स्त्री को छू नहीं सकता था बिना उसकी इच्छा के। ये लेखक ने रावण की क्वालिटी घटाया है। अगर ये कहता भाई इतना उस सत्यव्रत था कि वो ऐसा नहीं कर सकता था तो उसकी बड़ाई हो जाती। पराई स्त्री को छूने से कोई जल कैसे जाएगा, ऐसा नहीं जलेगा, पतन तो उसका हाई है लेकिन वो खाक नहीं हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि रावण ने चाहा, प्रलोभन दिया, लेकिन सीता दृढ़ रही। तो सीता निर्दोष थी, लेकिन अयोध्या वाले सीता को नहीं समझ सके और जन जन में ये वार्ता हो गई कि श्री राम ने सीता को फिर से पत्नी बनाया। तो हम लोगों के घर की क्या दशा होगी, हमारी स्त्रियां कहीं भी रहें फिर आएंगी तो फिर पत्नी बनाना पड़ेगा। इतनी चर्चा हो गई अयोध्या भर में कि महाराज राम उब गए। धोबी ने ताना मारा ये वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं, ये जन जन की भावना हो गई थी। तो गोस्वामी जी ने कहा अबजस जोग की जानकी
क्या जानकी जी अब्जस के योग्य थी? मणि चोरी का कान, क्या श्री कृष्ण ने मणि चुराई थी? एक ऑब्जेक्शन आया था कि श्री कृष्ण ने मणि चुरा लिए, तो श्री कृष्ण की प्रकृति अलग थी, वे मणि के पीछे पड़ गए, तो जहाँ से मणि थी वहाँ से उपलब्ध करवाई, तो निंदा करने वाले लज्जित हुए। महाराज राम ऐसे नहीं थे, वो संकोची बहुत थे। श्री कृष्ण उस जगह पर होते तो अयोध्या वासियों बुला करके मीटिंग करते और लताड़ते और कहते, सीता जी लंका में इतना दिन दुख उठाई, तो आप लोग कौन पवित्र आत्मा हो उसको दुख देना चाहते हो? लेकिन राम बड़े संकोचित थे और चुपचाप सीता को निकाल दिए। उनका निकालना गलत है कि सही है वो अलग विषय है। पढ़ना चाहें तो रामायण रहस्य में मैंने सब लिख दिया राम कथा के विषय में। बात तो यह है, क्या आप चाहते हैं कि आपको कोई गलत न कहे? दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण है जो गलत नहीं कहा गया हो? कोई नहीं कहा है ऐसा, सबको गलत कहने वाले हुए हैं। जब कबीर पंथ से मैं परिचित हुआ तो कुछ ऐसे लोग भी मिलते थे, अरे भाई दानवा कबीर। कबीर का शरीर जब छूट गया था तो एक दानव उनके शरीर में घुस गया, तो वही बानी बोला, वही बानी सब है, वो दानवा कबीर की बानी है। स्वामी शंकराचार्य को मणिमान नामक दैत्य का अवतार वैष्णव ने कहा, मणिमान नाम के दैत्य के अवतार थे शंकराचार्य। इसलिए शंकराचार्य ने जो प्रस्थानत्रयी भाष्य किया है वो दैत्य का है, वो शंकराचार्य का थोड़े है, ये मिली मार है सब। शंकराचार्य महापुरुष थे, कबीर साहब महापुरुष थे, तथागत बुद्ध महापुरुष थे, हजरत मोहम्मद महापुरुष थे, संत ईसा महापुरुष थे, सब अपनी अपनी जगह पर महान हैं। और उनकी बातों को लेके जो रुचे पचे उसका प्रयोग करें, न रुचे पचे छोड़ दें। भिन्न भिन्न देश काल परिस्थित में महापुरुष होते हैं और ऐसी बातें भी आती हैं, जो न जमे छोड़ दीजिए। लेकिन आदमी तो होता है पक्षपाती, संकुचित, अपने गुरु की बड़ी बड़ाई करता है और दूसरे के गुरु को गिराना चाहता है। दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ आज तक जो सबके द्वारा प्रशंसित हो। इसलिए हमें आशा नहीं करनी चाहिए लोग हमारी प्रशंसा करें, जैसा कहना हो कहें। जब हमारी कोई निंदा करे तो हमें ये सोचना चाहिए वो जितनी निंदा करता है कम करता है, अधिक निंदित मैं हूँ, अधिक निंदा के योग हूँ, उसे हमारी और अधिक निंदा करनी चाहिए थी, फिर क्या संताप रहेगा। अपने मन को शीतल करें, सरल करें, पवित्र बनावें। मैंने शुरू में कहा था कि सब मनुष्य अपना अपना भवसागर लेके घूम रहे हैं और घमंड बहुत है, हम बड़े हैं। मन में झांको, मन में क्या उठ रहा है? काम उठ रहा है, क्रोध उठ रहा है, द्वेष उठ रहा है, ईर्ष्या उठ रही है, चिंतित हो, उद्वेगित हो, अशांत हो, कुतर्क 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 हरदम कुतर्क। आदमी प्रतिक्रियाओं से निरंतर भरा रहता है। रास्ते चल रहे हैं, उधर से कोई साइकिल से फर्र से निकला, हमारे मन में प्रतिक्रिया, देखो कितने अहंकारी लोग होते हैं, एकदम दूसरे को ध्यान नहीं देते हैं, तनिक तनिक बात में प्रतिक्रिया, हर बात में प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया के नरक में आदमी डूबा रहता है। इसको देखें हम कितने क्षण स्वर्ग में रहते हैं, शय्यासनस्थोत पति प्रजन वा स्वस्थ पर छीण वितर्क जाल संसार भी इच्छय में इक्षवाण स्यात नित्य मुक्तो अमृत भोग भागी। ये व्यास ने योग दर्शन के भाष्य में कहीं से उद्धृत किया है और उनके भाष्य से मैंने अपने भाष्य में उद्धृत किया है। योग दर्शन के भाष्य में बहुत बढ़िया मंत्र है, शय्या आसन अस्थो अथ पथि ब्रजन वा स्वस्थ पर छीण वितर्क जाल संसार भी इच्छे में इक्षमाण स्यात नित्य मुक्तो अमृत भोग भागी। शय्या पर लेटा हो,
आसन पर कुर्सी पर बैठा हो, शैया आसन अस्तोवत, पथ व्रजन वा अथवा रास्ता में चलता हो, स्वस्थ स्वस्थ हो। स्वस्थ में दो पद है, स्व और अस्थ। स्वनाम खुद अस्थनाम स्थित, अपने में स्थित, अपने आत्मा में शाम, कोई कुतर्क नहीं, कोई कुबासना नहीं, अपने आप में शीतल महाशीतल। शैया आसन अस्तोत पथव्रजन व स्वस्थ, चाहे लेटा हो चाहे बैठा हो चाहे रास्ते में चलता हो स्वस्थ हो। परिक्षीण वितर्क जाल है, वितर्क जाल परिक्षीण हो। वितर्क जाल मन का कुतर्क, पत्नी के लिए, पति के लिए, बच्चे के लिए, भाई के लिए, गुरु के लिए, शिष्य के लिए, गुरु भाई के लिए, पड़ोसी के लिए, अमुक के लिए, दूसरे की बुराई बुराई बुराई, मन में हरदम बुराई, ये कुतर्क, यही वितर्क है। परिक्षीण वितर्क जाल है, जिसके चित्त का वितर्क जाल परिक्षीण हो गया, क्षीण नाम नाश, परिविशेषण है, परिसमग्रता को कहते हैं। पूरा का पूरा वितर्क जाल जिसका छीण हो गया, जिसका मल एकदम मन मक्खन हरदम बना रहता है, संसार भी इच्छय में इक्षमाणा, संसार भी क्षयम ईक्षमाणा। ईक्षण कहते हैं देखने को, और ईक्षमाणा का अर्थ होता है देखता हुआ। संसार बीज क्या है? मोह। मोह संसार बीज है। हम क्यों भटकते हैं? मोह बस। मोह को काट दें, मोह की जड़ उखाड़ के फेंक दें, भटकना बंद, ये जल्दी से नहीं उखड़ता है। इसकी एक एक रेशे को काटना पड़ता है, पहले खोदे, खोद करके जो जड़ है उसमें जो पतले पतले रेशे हैं पहले काटे, तो जो बड़े बड़े हैं उसमें बड़ी बड़ी जड़ें उसको काटे, काटते 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 तब कहीं मूल में पहुंच के उखाड़ के फेंक दे। धीरे धीरे होता है, लग जाए तो होता है पक्का, ये केवल झूठा आदर्श नहीं वास्तविकता है। संसार बीज मोह है, और इसको क्षयम ईक्षमाण, क्षय की दृष्टि से निरंतर देखता रहे, कहीं लगाव न करे, अनुकूल लोग मिलते हैं मोह होने की संभावना है। घर द्वार छोड़ाए, चेले में मोह कर लिए तो फिर घर पहुंच गए, चेले हैं ठीक हैं, शिष्य हैं प्रिय हैं, उनका हित सोच लो, हित का काम कर दो, लेकिन अपने को बांध करके नहीं। हम किसी के हित करने के ठेकेदार नहीं, जिनको हित करना होगा करेंगे, हमारे पास कोई आया सहयोग करना चाहिए, अगर करते हैं तो, नहीं करते हैं तो न करें, अपने काम में रहें। एक रूप गुरु साधु का दूजा काल को फन, अश्रण श्रण दयाल गुरु साधु सदा स्वच्छन, ये श्री रामराज साहेब ने पंचग्रंथी में कहा। एक रूप गुरु साधु का, गुरु और साधु का एक रूप है, जो हमारे लिए गुरु है किसी के लिए साधु है, जो हमारे लिए साधु है किसी के लिए गुरु है, जो हमें बोध दिया रास्ता दिखाया और जिसके संरक्षण में हमारा कल्याण चल रहा है वो हमारा सद्गुरु है। दूसरे सब संत हैं, वे सहायक हैं, लेकिन उन संतों में कोई किसी का सद्गुरु हो सकता है, तो इसलिए एक रूप गुरु साधु का। दूजा काल को फंद, गुरु साधु को छोड़ करके सतपथ बताने वाला कोई नहीं, काल का फंदा कल्पना जाल है। गुरु साधु में फर्क कुछ है तो ये है, अश्रण श्रण दयाल गुरु साधु सदा स्वच्छंद। सदगुरु अश्रण को शरण देते हैं और साधु सदा स्वच्छंद रहते हैं, ये भेद है। अश्रण श्रण दयाल गुरु, गुरु दयालु होते हैं, अश्रण को शरण देते हैं, वे झंझट मोल लेते हैं, दूसरे के दुख को दूर करने के लिए झंझट मोल लेते हैं, लेकिन वे पूर्ण मुक्त हैं तो उनको बंधन नहीं होता है, वो निर्लेप रहते हैं, अनासक्त रहते हैं और दूसरे के दुख दूर करते हैं। और साधु सदा स्वच्छंद, साधु सदा स्वच्छंद रहती, झंझट में नहीं बढ़ते, किसी की दीक्षा दो, चेला बनाओ, साथ में रखो, उसको निभाओ, ये झंझट में नहीं पड़ते।
कुछ नहीं, स्वच्छंद। लेकिन सदगुरु असरण को शरण देते हैं। सदगुरु बनना बहुत गलत है, अपने को सेवक मानना चाहिए। विवेकवान सदैव अपने को सेवक मानता है, कभी अपने को सदगुरु नहीं मानता। अपने को बचा करके संसार का काम करने वाला मुक्त रह सकता है, भावुक बन जाएगा जगत के उद्धार में। आज तक कोई जगत का उद्धार कर पाए? हजारों खिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम ने, ये सब तस्लीम, लेकिन आदमी अब तक भटकता है। ये फिराक गोरखपुरी, रघुपत साय फिराक गोरखपुर के, जिनका प्रयाग विश्वविद्यालय कार्य क्षेत्र था। 15-20 वर्ष हो गए शरीर छुटे, शायद 20 ना हुआ हो। उर्दू के बहुत बड़े कवि थे, इंग्लिश के बहुत बड़े पंडित थे, हिंदी संस्कृत उनकी ये वाणी है। हजारों खिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम ने, आदम की नस्ल ने, मनुष्य की वंश परंपरा ने हजारों खिज्र हजारों उपदेष्टा पैदा कर दिया। ये सब तस्लीम, ये सब स्वीकारता हूँ, लेकिन आदमी अब तक भटकता है। आदमी आज भी भटक रहा है। भटकने मतलब क्या है? दुखी रहना। दुखी इसलिए क्योंकि दोषी है, और दोषी होना भटकना है। जो दोषी नहीं होगा वो दुखी नहीं होगा। अगर क्षण मात्र दुखी है तो क्षण मात्र के लिए दोष से हम प्रभावित हो गए हैं। संसार बीज क्षय में इक्षमाणा, संसार बीज मोह है, उसको क्षय की दृष्टि से देखता हुआ सात नित्य मुक्तो अमृत भोग भागी, वो नित्य मुक्त है, अमृत भोग भागी है। जो व्यक्ति सैया पर चाहे लेटा हो, आसन पर चाहे बैठा हो, रास्ते में चलता हो, अपने आप में शांत है, जिसके मन का कुतर्क सब शांत हो गया है, जो संसार बीज रूपी मोह रूपी बीज को नष्ट करने की दृष्टि से निरंतर देखता है, वो नित्य अमृत का भोग भागी है, नित्य आनंदमय है। कितना सरल काम है, न पैसा लगना है, न जात की जरूरत है। इसमें जात की जरूरत नहीं है। यद्यपि ज्ञानियों ने कह डाला कि ब्राह्मण ही उस ब्रह्म ज्ञान में पहुंच सकता है, वो धोखा है, गलत है। ब्रह्म ज्ञान की परिभाषा अच्छी नहीं है। ब्रह्म सबका स्वरूप है, ब्रह्म नाम महान, आत्मा महान है, तो इसमें जात पात क्या है? जात तो एक है। जाति वर्ण की जरूरत नहीं, विद्या की जरूरत नहीं, पढ़ाई लिखाई की जरूरत इसमें ज़्यादा नहीं है, धन की ज़्यादा जरूरत नहीं है, खाने पीने की जरूरत है, धनी होने की जरूरत नहीं है, महंत होने की जरूरत नहीं, गुरु होने की जरूरत नहीं, आचार्य होने की जरूरत नहीं, मंडलेश्वर होने की जरूरत नहीं, जगत गुरु होने की जरूरत नहीं। जरूरत है किसी बोधवान सदगुरु की शरण, और उससे प्रेरणा लेकर के अपने कल्याण के लिए डट पड़ना, अब अपने मन के मैल को निरंतर धोने के लिए तैयार रहना, केवल अपने को देखना, केवल आत्मोद्धार के लिए परिश्रम करना। ये बहुत सहज, बहुत सरल है। आपको जीवन यात्रा में जो चीज़ें हैं सब मिल रही हैं। प्रकृति भोजन का भंडार है। ये प्रकृति का भोजन कभी घटने वाला नहीं है। उपयोगी वस्तुओं में कभी कमी नहीं आएगी। क्यों रोते हैं? कल भी खाने को मिलेगा। जो मर गया मर गया, मरने दो, अपने शरीर मरना है, क्यों रोते हो? ये संसार तो हलचल की जगह है। सबके साथ सुंदर बर्ताव करो, मेहनती रहो, आलसी कोई न रहो, साधु गृहस्थ श्रमिक रहो, श्रम करो, और जो मिले संतुष्ट रहो उसमें। अपने आत्मा की उद्धार का काम करो। वही नहीं हो रहा, यही गलत है। खाते हैं, पीते हैं, घर में रहते हैं, रुपया पैसा है, और बहुत लोगों के पास तो बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन आत्मा के उद्धार का काम नहीं है। इसलिए सब अपने को धोखे में डाल रहे हैं। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि सब लोग भवसागर लेके अपना अपना घूम रहे हैं,
और घोर घमंड है हम बहुत बड़े, क्या पड़े, मन को देखें मन की क्या दशा है। और मन जब निर्मल है तो घमंड तो वहाँ रही नहीं जाएगा। हम अपने मन को निरंतर निर्मल करें, धोएं, साफ करें, भवसागर को सुखाएं और इसी जीवन में स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करें। शुद्ध प्रेम का प्रकाश जीवन में स्वर्ग है, सबसे निर्मोह हो जाना मोक्ष है। और एक सिक्के के दो पहलू हैं। सद्गुरु कबीर ने कहा, मैं रो या जगत को मोको रोए न कोए, मोको रोए सो जना जो शब्द विवेकी होए। कबीर साहब दुनिया भर से निर्मोह थे, उन्होंने कहा कहीं कबीर ते उबरे जा ही न मोह समाए। महानिर्मोह थे कबीर साहब, लेकिन वो कहते मैं रो या जगत को, तो जगत के लिए प्रेम है। मोही आदमी कहेगा मैं रो पत्नी को, मैं रो बच्चे को, जगत भर को कौन रोता है, जो सबसे निर्मोही होता है। तो निर्मोहता और प्रेम, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। शुद्ध प्रेम में स्वर्ग है, निर्मोहता में मोक्ष है। अपने भवसागर अपने नरक में मन को हमें स्वर्ग और मोक्ष में बदलना चाहिए। इन्हीं वाणियों के साथ मैं विराम लेता हूँ।